30 में है ना, पेज नंबर 30। ग्रोइंग सेल्स टू करंट कस्टमर्स, एज यू आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, असेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि मार्केट को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पढ़ा ना हमने, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड मर्जर्स एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, बहुत सारे तरीके हैं। ग्रोइंग सेल्स टू करंट कस्टमर्स, अब हमने मार्केट के बारे में तो बहुत पढ़ लिया कि किस तरीके से नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए मार्केट्स डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी क्या है, नेक्स्ट सेगमेंट इज ग्रोइंग सेल्स टू करंट कस्टमर्स। अपने करंट कस्टमर्स का ही सेल्स को ग्रो करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेवेन्यू, इंक्रीज द अमाउंट और लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने करंट कस्टमर्स को अपने टारगेट करते हैं ना, तो क्या क्या फ़ायदा होता है, अमाउंट या लेवल और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज। अब जितनी ज़्यादा करंट कस्टमर जो होते हैं ना, वो अगर हमारे लॉयल कस्टमर हैं, कस्टमर बेस लॉयल है, तो वो हमारे काफ़ी लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। बट क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन मस्ट इंक्रीज, वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ानी है, मार्केटर्स उसके ऊपर टारगेट करते हैं। आइडेंटिफाई न्यू ओकेशंस फॉर यूसेज और आइडेंटिफाई न्यू यूजर्स, दो ही हो सकता है। एक हो गया जो मेरे करंट कस्टमर्स हैं, वो करंट कस्टमर्स तो यूज कर रहे हैं, मे बी पीरियोडिकली यू आर यूजिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साल में एक बार रिविजन क्लास ले रहे हैं, क्रैश सेशन ले रहे हैं, एग्जाम के पहले ले रहे हैं, तो अपने क्या टारगेट करेंगे कि उनकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़े। मैं यही टारगेट करूंगी ना कि भाई फ्रीक्वेंसी तुम्हारी बढ़ जाए। या अपने टारगेट करेंगे न्यू यूजर्स, दैट इज न्यू कस्टमर्स ऑल टुगेदर। तो ये हो गया। तो ग्रोइंग सेल्स टू करंट कस्टमर्स में बहुत सारे जो मार्केटर्स हैं उनका यही मतलब, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखना, तो जैसे कैडबरी का एडवर्टीजमेंट, कैडबरी का एडवर्टीजमेंट पहले क्या, चॉकलेट लोग कभी घूमने गया तो खाया, या ऐसे ही टीम्स चॉकलेट्स खाते हुए ऐसे एडवर्टीजमेंट्स पोर्ट्रे करते थे। बट नाउ न्यू ओकेशंस हैज बीन क्रिएटेड, मार्केटर्स क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग न्यू ओकेशंस फॉर यूसेज। इसका मतलब क्या है, जैसे चॉकलेट के एडवर्टीजमेंट में देखना, राखी में चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं कैडबरी गिफ्ट कर रहे हैं, या दिवाली पे कैडबरी आइसक्रीम, मतलब मिठाई और लड्डू के जगह पर ये सारे पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करने के लिए, सो दैट कंजम्पशन विल इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज, इसको क्रिएट करने के लिए ये सारे नए नए ओकेशंस क्रिएट करवाए जा रहे हैं। और मार्केटर्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन क्रिएटिंग इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है मार्केटर्स के लिए, हमेशा याद रखना, मार्केटिंग मीन्स क्रिएटिंग इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो आप जो भी क्रिएट कराओगे ना अपने कंज्यूमर्स के माइंड में, कंज्यूमर्स वही करेंगे। तो कैसे करोगे इसको, थ्रू कस्टमर फीडबैक, सर्वेस, इंटरव्यूज, रिव्यूज एक्सेट्रा। लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं लोगों के सर्वेस देखकर, इंटरव्यूज देखकर, डेटा को देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। तो देख रहे हैं कि हाँ, कैडबरी यूज़ कर रहे हैं, राखी में सबको कैडबरी दे रहा है तो हम भी देंगे। सर्वे देख रहे हैं, रिव्यूज देख रहे हैं, डेटा एनालिसिस, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड, जो ट्रेंड में रहेगा कस्टमर उसको ही फॉलो करेंगे। मार्केट रिसर्च, स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन करंट ट्रेंड, लुक फॉर इमर्जिंग ट्रेंड्स, चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर और टेस्ट। मार्केट रिसर्च अपने को करना है। क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, आइडेंटिफाई कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, अपग्रेड्स कैन बी डन थ्रू प्रोडक्ट बंडलिंग और ऑफरिंग एडिशनल फीचर्स और सर्विस। तो क्रॉस सेलिंग कर सकते हो आप, अपने एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एक कैडबरी सेल कर रहे हो, उसमें बोलो भाई आइसक्रीम भी हम सेल कर रहे हैं। आप सेल कर सकते हो मतलब, और थोड़ा अच्छा हायर लेवल के जो ब्रांड्स हैं आपके, तो प्रास हर तरह के ब्रांड्स रहेंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो आप सेल कर सकते हो। कोई कस्टमर 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, उसको आप 200 का प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकते हो। एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, गाइडिंग ट्रेनिंग सेशंस, ये भी क्रिएट करवाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को नहीं पता है। कंपनीज ट्रेन कर रही है, एडुकेट कर रही हैं, वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को बेच रही है, राइट। जैसे मैं केलॉग्स का एग्जांपल देती हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। केलॉग्स के बारे में हमें कुछ पता नहीं था, इंडियन कंज्यूमर्स, एज इंडियन कंज्यूमर्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू यूज़ केलॉग्स फ्यू ईयर्स बैक। आज से 15-20 साल पहले की बात करूँ, नहीं पता था, हमारे यहाँ पे वो नाश्ता नहीं चलता था। तो केलॉग्स काफ़ी अनसक्सेसफुल रहा, फेल हो गया था, इट वॉज अ ग्रेट फेलियर। बट देन केलॉग्स अंडरस्टैंड द मार्केट, हमारे मार्केट को स्टडी किया, रिसर्च किया, और फिर दे कम अप विद एडुकेशन एंड ट्रेनिंग। उन्होंने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट में पोर्ट्रे किया
कि कैसे इसको नाश्ते में खाया जाता है, इसका एडवांटेजेस क्या है, देन पीपल अडॉप्ट दिस. हमने ये जो नया फैशन अडॉप्ट किया केलॉग्स वगैरह खाने का दूध के संग, तो इसको कैसे समझा. मार्केटर्स हैव इम्प्लीमेंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसको अवेयरनेस क्रिएट करवाई, तभी हम यूज कर रहे हैं ना. पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा होता है. क्या होता है इसमें पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में, इसमें क्या होता है देखो, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में हम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, डेटा एनालिसिस होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, सब सुने होंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, वहाँ पे कौन सा कंज्यूमर क्या यूज़ कर रहा है, अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज रिकमेंडेशन उनके पास पहुँच जाते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन. आप जैसे अपने गूगल में सर्च कर रहे हो, जो चीज़ों का सर्च कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन मिल जाएंगी कि हाँ ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो, ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, ऑल सच. क्लियर. प्रमोशंस एंड इंसेंटिव्स अकॉर्डिंगली आप डिस्काउंट्स, ऑफर्स ये सब दे सकते हो कस्टमर को ज़्यादा यूज़ करने के लिए. अभी ऑफर चल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट में अभी कुछ ऑफर चल रहा होगा, तो मैं क्या करूँगी, झट से वो ऑफर को देखूँगी और चलो थोड़ा सा ज़्यादा इतना लेना था तो और दो दो 400 ग्राम बढ़ा देती हूँ, ऑफर चल रहा है, या एक दो पैक और ले लेते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेते हैं. तो प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं कंज्यूमर्स को ज़्यादा परचेज करने के. कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, पार्टनर्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्ट यूजर्स, दिस कुड बी को मार्केटिंग कैंपेन. आप देखना बहुत सारे आप शॉपिंग करने जाते हो या ऑनलाइन खरीदते हो, देखना बहुत जगह पर दो प्रोडक्ट्स एक संग बंडल ऑफर मिलता है, तो बंडल ऑफर में लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, खरीद लेते हैं सामान. अच्छा, ये हमारा पॉइंट था ग्रोइंग सेल्स टू करेंट कस्टमर्स. इसमें था फर्स्ट आइडेंटिफाइंग न्यू ओकेशंस, अब आ जा रहे हैं क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मार्केट, नए मार्केट्स को क्रिएट करना है. हियर इज हाउ गेनिंग अ पायनियरिंग एडवांटेज वर्क्स. आप जब मार्केट में नया मार्केट क्रिएट कर रहे हो, इसमें फर्स्ट हो गया फर्स्ट मूवर एडवांटेज. मैंने पहले ही इसके बारे में बताया, आप एक नया ब्रांड हो, नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, और यू आर एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट ऑल टुगेदर. उस मार्केट में किसी अदर कॉम्पिटिटर ने एंटर नहीं किया पहले, तो क्या होगा, आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा. यू आर गेनिंग द पोजिशन ऑफ अ लीडर, मार्केट लीडर बन जा रहे हो आप वहाँ पर. फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंटरिंग इनटू अ न्यू मार्केट और यू आर कमिंग अप विद अ न्यू प्रोडक्ट, दो ही हो सकता है. तो वहाँ पे आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर, ये सारी चीज़ें एकदम ज़्यादा होगी, मीन्स अंटिल अनलेस सम अदर कॉम्पिटिटर्स एंटर इनटू इट. अगर आता भी है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सर्फ, ये जो सर्फ है ना, कंपनी का नाम है सर्फ, वो कंपनी बनाती क्या है, डिटर्जेंट पाउडर. पर हम लोग के अगर नॉर्मल आप देखोगे मिडिल क्लास फैमिलीज में या नॉर्मली भी जिससे मुँह से निकलता है, सर्फ ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास यही बोलते हैं, कोई डिटर्जेंट पाउडर लाकर तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सर्फ जो नाम है ना, एज अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज इट वर्क. सर्फ मतलब क्या है, जिससे कपड़े धोते हैं. हम लोग डिटर्जेंट पाउडर नहीं बोलते, कपड़े धोने का साबुन या कपड़े धोने का जो पाउडर है, हम लोग सीधा बोलते हैं सर्फ ला. अब सर्फ में टाइड भी है, एक्सेल भी है, एरियल भी है, वॉट एवर कंपनीज आर देयर. तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. ऐसे ही जेरोक्स, जेरोक्स जो कंपनी है, जेरोक्स कंपनी ने कॉपियर मशीन लेकर आई, पर हम लोग नाम उसका जानते हैं जेरोक्स. मैक्सिमम लोग अभी भी बोलते हैं जेरोक्स करवा के लाओ, जो चलती भाषा में बोलते हैं ना, जेरोक्स करके लाओ, कॉपी करवा के लाओ कोई नहीं बोलता है अभी भी, ठीक है, एटलीस्ट मैं यहाँ की बात कर रही हूँ. तो ये क्यों होता है, ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. जेरोक्स एज अ ब्रांड वो पहले आया है, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बोलो, या ब्रांड जो है उसकी क्रिएट हो गई है वैसे. क्लियर. सेटिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, पायनियरिंग कंपनीज हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड शेप द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. पहले पहले जो कंपनीज आती है वो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर देती है, क्योंकि वो लीडर है भाई. बाई एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दे कैन इन्फ्लुएंस हाउ कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स परसीव द मार्केट. अब वो जो पहले पहले आए ना, उन लोगों ने एक नॉर्म तैयार कर दिया इंडस्ट्री में, मार्केट लीडर उन्होंने तैयार कर दिया, बाकी जो आएंगे उसको फॉलो करेंगे. इनोवेशन लीडरशिप, कंपनीज दैट क्रिएट न्यू मार्केट्स ऑफन डू सो थ्रू इनोवेशन. दीज इनोवेशन लीडरशिप नॉट ओनली अट्रैक्ट कस्टमर्स बट ऑल्सो टैलेंट एंड इन्वेस्टमेंट. इट अलाउज द पायनियरिंग कंपनी टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स बाई कंटिन्यूअली पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट्स पॉसिबल. बिल्डिंग रिलेशनशिप,
पायनियरिंग कंपनीज हैव द चांस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सीधी सी बात है, जो पहली कंपनी है, फर्स्ट ब्रांड जो आएगा, उसके सप्लायर के संग, अदर मेरे कस्टमर्स के संग, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके संग स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप तैयार हो जाएगी। अब वो रिलेशनशिप हर जगह पर काम करेगी, मार्केट पोजिशन को मेंटेन करने के लिए भी वो काम करेगी। लर्निंग कर्व एडवांटेज, ये भी पॉसिबल है और होगा ही। देखो जो पुरानी कंपनी है, दे आर ऑल्सो लर्निंग, और लर्निंग से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है उनकी, एक लर्निंग कर्व एडवांटेज भी होगा, क्योंकि सीखते जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज फॉर अस ना, हमने बहुत कुछ सीखा है। ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर्स ऑफन डेवलप स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टू पायनियरिंग ब्रांड्स, स्पेशली इफ दे फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप और आइडेंटिफिकेशन विद अ कंपनीज मिशन और वैल्यूज। दिस ब्रांड लॉयल्टी कैन ट्रांसलेट इनटू लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप एंड रिपीट बिजनेसेस। तो सीधी सी बात है भाई, जो पुरानी कंपनी है उनका एक ब्रांड लॉयल्टी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे संग, तो वो रिपीट बिजनेस लाएगा ही। रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस, पायनियरिंग कंपनीज मे हैव द अपॉर्चुनिटी टू शेप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, गिवन देम अ फर्दर एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स हु मस्ट कंप्लाई विद रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय अदर। अब जो पहले आई है, जैसे चैट जीपीटी, पहली वो क्या बोलते हैं एआई वाली जो कंपनी है जो लिख कर देती है, तो चैट जीपीटी अब एआई इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है, एआई इंडस्ट्री एक अलग सा इंडस्ट्री बन रहा है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एआई इंडस्ट्री एक अलग बन रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री। तो चैट जीपीटी कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है क्योंकि वो पहले आई है, मार्केट लीडर है इसमें, तो वो क्या कर रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है। ओवरऑल गेनिंग अ पायनियरिंग एडवांटेज इन न्यू मार्केट्स रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, इनोवेशन, एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इट्स अ चैलेंजिंग एंडेवर, बट द रिवॉर्ड्स कैन बी सब्सटेंशियल फॉर कंपनीज दैट सक्सीड इन कार्विंग आउट अ लीडरशिप पोजिशन इन इमर्जिंग मार्केट्स। आइडेंटिफाइंग नीच मार्केट, नीच मार्केट मतलब स्पेशलाइज सेगमेंट, एक बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट का कोई एक स्पेशलाइज सेगमेंट है जो आइदर छूटा हुआ है या कोई उस जगह पर एंटर नहीं किया है। स्पेशलाइज सेगमेंट एकदम छोटा सा सेगमेंट होगा ये, स्पेशल डेमोग्राफिक, स्पेशल इंटरेस्ट नीड्स, इस तरह का काम। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी मिट्टी के बर्तनों का बहुत ज़्यादा, वो एक नीक मार्केट हो गया है, मिट्टी के बर्तन बहुत महंगे बिक रहे हैं, पूरा बॉटल्स हो या कढ़ाई हो, सब कुछ मिट्टी के बर्तन का पूरा फैशन है, बट दैट इज़ अ स्पेशलाइज मार्केट, नीक मार्केट है, सब कोई उसको नहीं खरीद रहे क्योंकि उतना महंगा भी है वो बर्तन, राइट। नीक मार्केट्स कैन रेंज फ्रॉम हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड्स लाइक विंटेज कैमरा रेस्टोरेशन और अर्बन गार्डनिंग टू ब्रॉड इंटरेस्ट लाइक सस्टेनेबल फैशन और पेट एसेसरीज फॉर स्पेसिफिक ब्रीड्स। ये सारे स्पेसिफिक मतलब बोल सकते हो स्पेशल इंटरेस्ट एरिया हो गया नीक मार्केट, नीक सेगमेंट। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन, कस्टमर स्पेशलिस्ट, द इंडिविजुअल फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट और नीड। ये क्या हो गया, कस्टमर स्पेशलिस्ट, यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ कस्टमर्स को डील किया जाता है, कस्टमर के नीड्स को समझा जाता है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। दे डेल्व इन्वेस्टिगेट डीप इनटू डेमोग्राफिक डेटा, साइकोग्राफिक एंड मार्केट रिसर्च टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट ड्राइव्स दिस ग्रुप्स परचेसिंग डिसीजन। नीक मार्केट करने के लिए आपको पहले अपने कस्टमर, आप किस कस्टमर्स को मतलब केटर करना चाहते हो, पहले वो समझना है, वो कस्टमर का सेगमेंट को क्या चाहिए, एज आई सेड अबाउट मिट्टी के बर्तन या सस्टेनेबल फैशन, तो ये सारे क्या है, ये इस टाइप के साइकोग्राफिक एक लोग होते हैं, उनकी सोच होती है, तो पहले कस्टमर को समझना है, कस्टमर स्पेशलिस्ट, आप क्या उस कस्टमर को दे सकते हो स्पेशल, तो ये कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना, उस कस्टमर को क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट और सर्विस स्पेशलिस्ट, मतलब आप प्रोडक्ट या सर्विसेज में क्या दे रहे हो। अब एक और तरीके से इसको समझ सकते हो, एक हो गई कस्टमर और सर्विस स्पेशलिस्ट में कि हम क्या सर्विस दे रहे हैं, उसमें क्या स्पेशलिस्ट है, तो वो हो गया नीक सेगमेंट, और दूसरे हो गए प्रोडक्ट और सर्विस स्पेशलिस्ट, क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस स्पेशल कुछ मैं दे रही हूँ, ठीक है, ये उस तरीके से भी आप समझ सकते हो इसको। और दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हो कि मेरे कस्टमर, उनकी साइकोग्राफिक नीड क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए, स्पेशल कस्टमर कौन है, उनको क्या चाहिए, उसके हिसाब से उनके प्रोडक्ट या सर्विस की नीड होगी, ठीक है। नाउ एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट को एक्सपैंड करना है, इसमें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मार्केट सेगमेंट
segmentation strategy and geographical expansion strategy. Expanding existing market मतलब क्या है, existing जो market उसको कैसे expand करते हैं, कैसे existing market, market penetration कैसे होगा, geographically कैसे expand करेंगे, all those things. ठीक है. अच्छा, दूसरा हो गया डिफेंडिंग मार्केट पोजिशन. डिफेंडिंग मार्केट पोजिशन मतलब अपने, एक तो हो गया मार्केट लीडर पोजिशन, जो अपना नया कुछ लेकर आ रहे हो तो मार्केट, एज अ मार्केट लीडर आप स्टैंड कर रहे हो, एज अ मार्केट लीडर और एज अ मार्केट फॉलोअर. हमने देखा मैं नया कुछ लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल फर्स्ट हूँ तो मैं मार्केट लीडर हूँ, सेकेंड हूँ तो मार्केट फॉलोअर हूँ. अब मैं ऑलरेडी कॉम्पिटिशन में हूँ तो अपने मार्केट को समझना होगा और अपने मार्केट पोजिशन को बचाना होगा. डिफेंडिंग मार्केट पोजिशन में क्या हो रहा है, अपने मार्केट पोजिशन को डिफेंड करना होगा. इसमें एक क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग. रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग क्या होता है, आपको समझना है मार्केट क्या चाह रही है एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है. मैं हमेशा बोलूँगी रिस्पॉन्सिव से ज़्यादा अच्छा है प्रोएक्टिव. रिस्पॉन्स करना मतलब कस्टमर ये चाह रही है इसलिए मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, बट प्रोएक्टिव में क्या होता है, कस्टमर चाह रही है उसके पहले ही मैं उसको तैयार करके दे रही हूँ. मुझे मार्केट की सिचुएशन को समझना है, इन्वायरमेंट को समझना है एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव अप्रोच. ठीक है. और डिफेंडिंग मार्केट पोजिशन में मैं अपने पोजिशन को डिफेंड कर रही हूँ, मुझे कोई मतलब उड़ा के नहीं ले जाए, इसलिए रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव में मैं समझ रही हूँ क्या चाहिए मार्केट को, अकॉर्डिंगली आई एम रिस्पॉन्डिंग. एंटिसिपेटिंग मार्केटिंग दैट इज लुकिंग अहेड टू न्यू नीड्स, दैट इज प्रोएक्टिव. एंटिसिपेटिव मतलब प्रोएक्टिव हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया दैट इज रिस्पॉन्डिव, रिएक्टिव हो गया वो अप्रोच. रिस्पॉन्सिव मार्केटिंग इज एक्चुअली रिएक्टिव मार्केटिंग. ठीक है. मार्केट में कॉम्पिटिटर ये प्रोडक्ट लेकर आया, मेरा प्रोडक्ट सेल कम हो गया, मुझे क्या करना है भाई, मुझे भी नया कुछ लाना है या मुझे उसके जैसा कुछ लाना है. उसके रिस्पॉन्स में वो 10 रुपये में बेच रहा, मैं 9 रुपये में बेचना शुरू करूंगी. रिस्पॉन्सिव, एंटिसिपेटिव और प्रोएक्टिव. मैं पहले से तब देख रही हूँ गर्मी आ रही है, आइसक्रीम खाएंगे लोग, पहले से ले लो. क्रिएटिव मार्केटिंग, फाइंड सॉल्यूशंस टू न्यू कस्टमर्स, डिड नॉट आस्क फॉर हाउएवर, मेकिंग इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू सेल्स और मार्केट एडवर्टाइजिंग. क्रिएटिव, क्रिएट समथिंग न्यू. ठीक है. डिफेंडिंग मार्केट पोजिशंस. डिफेंडिंग मार्केट पोजिशन इन्वॉल्व्स वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अ कंपनीज मार्केट शेयर, रेपुटेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी. अपने आप को डिफेंड करना बहुत जरूरी है. तो डिफेंस स्ट्रेटजीज में पोजिशन डिफेंस एक हो गई आपकी. पोजिशन डिफेंस मतलब अपने पोजिशन को ठीक ठाक रखना है, ऐसा नहीं कोई आके आपकी पोजिशन ले ले. आप फर्स्ट आ रहे हो, आपको हटा के कोई दूसरा घुस गया, तो अपने स्ट्रेंथ को समझते हुए, अपनी वीकनेसेस को समझते हुए, ठीक है, इसमें पोजिशन डिफेंस के लिए आपको अपने यूनिक फीचर्स को पोर्ट्रे करना होगा, अपनी क्वालिटीज को पोर्ट्रे करनी होगी, मेंटेन करनी होगी, सो दैट मीन्स जो कस्टमर लॉयल्टी कैन बी मीन्स व्हाट टू से मेंटेन्ड. फ्लैंक डिफेंस. फ्लैंक डिफेंस इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल एरियाज ऑफ अ कंपनीज मार्केट पोजिशन बाय एक्सपैंडिंग इनटू रिलेटेड और एडजेसेंट मार्केट. आपको प्रोटेक्ट करना है. फ्लैंक डिफेंस में क्या होता है, आपको प्रोटेक्ट करना है अपने वल्नरेबल एरियाज और अपने आप को बढ़ाना है. तो क्या करोगे, क्योंकि देखो हो सकता है मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हूँ, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं मेरे मार्केट में, ABC, अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल को ले लो, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्फ है, साबुन है और क्या क्या है, शैम्पू है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स मार्केट है, राइट. तो कौन सा सेगमेंट कितना प्रॉफिटेबल है, कौन सा सेगमेंट इज वेरी वल्नरेबल कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आए तो मेरे कस्टमर चले जाएंगे, है ना, तो वो मुझे समझना पड़ेगा. नेक्स्ट होता प्रीएम्प्टिव डिफेंस. प्रीएम्प्टिव डिफेंस इन्वॉल्व्स टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स. डिफरेंस बस इतना ही है. पोजिशन डिफेंस, अपने करंट मार्केट पोजिशन को बचा के रखना है. फ्लैंक डिफेंस, जो रिस्की एरिया है उसको समझना है. प्रीएम्प्टिव डिफेंस, प्रोएक्टिवली यू नीड टू टेक ऑन योर डिफेंस. काउंटर ऑफेंसिव, आपने 10 रुपये का प्रोडक्ट 8 रुपये डिस्काउंट दिया, 20%, मैं 25% दे रही हूँ, दिस इज काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस. रीपोजिशनिंग डिफेंस, अपने आप को नया तरीके से रीलॉन्च कर रहे हो, रीपोजिशन कर रहे हो, ठीक है, पूरा अमिताभ बच्चन इन अ न्यू वर्जन. अब अमिताभ बच्चन के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकती उनके बारे में, वो ऑलरेडी मतलब पोजिशन उनकी अलग ही रहती है, उनकी पोजिशनिंग अलग ही है, तो रीपोजिशनिंग उनके बारे में नहीं कहा जा सकता. कोई और स्टार के बारे में भले बोल सकते हो, रीपोजिशनिंग जैसे अभी मैंने उनके बारे में बताया, वो साधु बन के आ रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन जी का एक नया मूवी कोई आ रहा है साधु बन के, दैट इज रीपोजिशनिंग. वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं डिफरेंट अवतार, सो दिस इज रीपोजिशनिंग डिफेंस. कंपनी
अपने आपको नए तरीके से लेकर आ रही है, नए तरीके से लॉन्च कर रही है. कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस, स्ट्रैटेजिकली रिट्रिएटिंग फ्रॉम द सर्टन मार्केट सेगमेंट और रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ ऑपरेशन टू फोकस रिसोर्सेज ऑन कोर एरियाज. कॉन्ट्रैक्शन मतलब मैं कुछ एरिया से निकल जा रही हूँ. मैं बहुत सारी चीज़ों पे ऑपरेट कर रही थी बट मैं देख रही हूँ सब सेगमेंट से प्रॉफिट नहीं आ रहा है. देन व्हाट विल आई डू, मैं कुछ सेगमेंट से जहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा है वहाँ से अपने आप को समेट लूंगी. क्लियर? समझ आया? क्लियर हुआ?